संकेत बॉक्स की सहायता से शरीर के अंगों के नाम बोलकर उन खाली गोलों में लिखिए तो चलिए हम लोग कर लेते हैं जल्दी से ये देखिए ये आपके संकेत बॉक्स हैं तो यहाँ पे देखिए पहला गोला आपका क्या है आँख तो ये देखिए आँख लिख दिया अब दूसरा गोले का क्या मतलब है ये है नाक तो आप नाम में आकर अंडा का नाक लिख देंगे ये देखिए ये लिखा है अब तीसरा गोला जो है वो आपका किस चीज़ पे है जल्दी से बताइए वो है आपका दांत पे तो आप यहाँ पे दांत लिखेंगे दामे का डंडा अंग की बिंदी और ता दाँत यहाँ से देख के लिखेंगे स्पेलिंग चौथा जो है वो आपका किस में है जल्दी से बताइए चौथा है आपकी टांगें है ना तो ये देखिए ये लिखा है आपकी टांगे तो आप इसमें टांगे लिख लेंगे टाँ का डंडा और गाँ टांग ठीक है अब पांचवा जो है पांचवा क्या है पांचवा है आपका घुटना तो आप इसे घुटना कर लेंगे घा में छोटे ऊ की मात्रा टा नाम आकर अंडा घुटना अब छठा जो है ये क्या है आपका ये है आपका पूरा मुंह है ना तो आप इसे लिखेंगे मुंह माँ में ऊ की मात्रा और हा ठीक है ऐसे लिख लीजिए मामे ऊ की मात्रा चंद बिंदी और हा मुँह सातवें नंबर पे क्या है सातवें नंबर पे है आपके कान तो आप लिख लेंगे कान देखिए मुँह ये लिखा है यहाँ से आप लिखेंगे का में आकर अंडा ना कान आठवें नंबर पे क्या है इसमें है आपका हाथ तो आप हा में आकर अंडा था हाथ लिख लेंगे इसके बाद क्या है आपका ये है आपका बाजू तो आप इसे बाजू लिख लेंगे बामे आकर अंडा में ऊ की मात्रा और नीचे बिंदी बाजू इसके बाद लास्ट जो है ये है आपका पैर पा में दो मात्राएं ऊपर ए की और रा पैर आया ना मजा कर सकते हैं आप आसानी से तो इसे आप यहाँ से सारी स्पेलिंग्स मैंने आपको बता दी हैं इन्हें आप लिख लेंगे चलिए आगे चलते हैं तो यहाँ देखिए अब आपको दिया गया है आइए कॉलम का के शरीर के अंगों के चित्रों को उनकी उपयोगिता अनुसार कॉलम खा के से मिलाते हैं तब तो देखे नाक नाक का क्या काम है खुशबू को सूंघना कान का क्या काम है घंटी के शोर को सुनना आँख का क्या काम है किसी भी चीज़ को देखना या आँख में हम चश्मा लगाते हैं हम्म हाथ का क्या काम है हाथ में हम पहनते हैं ग्लव्स और मुँह का क्या काम है मुँह से हम कुछ भी खाते हैं और टेस्ट करते हैं उसको ठीक है अब देखिए यहाँ लिखा है नीचे दिए गए चित्र में संख्या को क्रम से मिलाइए और देखिए कि आपको शरीर के अंगों का कौन सा चित्र मिलता है आइए अब हम इसको बनाते हैं और रंग भरते हैं तो देखिए जल्दी से बताइए आपको क्या मिला बिल्कुल सही पहचाना ये है हमारी आँखें है ना अब आप इसमें कलर भर लेंगे चलिए आगे चलते हैं तो ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है आपके टीचर्स से कहा गया है आपको वर्कशीट अच्छे से समझाएं आपके पेरेंट्स से कहा गया है बच्चों को बताइए कि हमारा शरीर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण तो है इसलिए हमें अपने शरीर के अंगों की अच्छे से देखभाल करनी चाहिए जैसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए वरना इससे आँखों पर बुरा असर पड़ता है इसीलिए फ़ोन का प्रयोग आवश्यकता अनुसार ही करना चाहिए ठीक है चलिए तो आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं आज की पशीद में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वॉचिंग